अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं शिकागो देसी व्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग, अमेरिका में सुबह हो चुकी है। तो अभी आज का जो है स्केड्यूल वो है, आज बेसमेंट में एक एक्स्ट्रा शावर रूम बना हुआ है, उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए अभी मैं जा रहा हूं वॉलमार्ट। तो चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ये नहीं जी, ये गाड़ी है। अभी जाना है वॉलमार्ट पे और उसके बाद वापस घर आना है। लेकिन वॉलमार्ट जाने से पहले आपको एक चीज दिखानी है। मैंने यहाँ पे शिकागो में ग्रोसरी की शॉप है जो कि 100% ज़बीहा हलाल सेल करते हैं मीट। और आपको वैसे भी पाकिस्तानी आइटम वहाँ से काफ़ी मिल जाएंगी। तो चले मैं पहले आपको वो शॉप दिखाता हूँ और आप लोग जो लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट सुबर्ब्स में रहते हैं वो आसानी से यहाँ से वो अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब जो ज़बीहा हलाल नान वगैरह हैं, रोटियाँ हैं, पराठे हैं रेडीमेड, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास। अगर नॉर्थ वेस्ट सबर्ब्स वाली साइड पे रह रहे हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और यहाँ पे आपको माशाल्लाह तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे ये देखें, ये काफ़ी मैक्सिकन स्टोर्स भी हैं जहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये लें गाइस, चलते हैं। ज़बीहा हलाल आपको हर चीज़ मिलेगी, पाकिस्तानी आइटम्स यहाँ से आपको बासानी दस्तियाब हैं। और ये देखें, बिरयानी, हलीम, सीख कबाब, समोसे, ये है जी शॉप एशियन आइलैंड लाल और लेमेंडेरिया है। ये 24 आवर्स ओपन है, आप जाएं जाके अपने जो कपड़े धोने वाले हैं वो आप लेके आ जाएं। ये देखें पूरी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये हैं वेंडिंग मशीन्स, यहाँ पे आप आके ओके। तो ये लें जनाब, मास्क रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप अंदर जाएंगे वॉलमार्ट पे और गेट पे ही आपको वो मास्क लेके खड़े होते हैं और आपको मास्क दे देंगे। चलें जी वॉलमार्ट चलते हैं, वॉलमार्ट के अंदर जाके थोड़ी शॉपिंग करनी है। यहाँ से दो तीन चीज़ें लेनी हैं वो लेके उसके बाद फिर चलिए गाइस चलते हैं। ये है मेंस सेक्शन, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे ये सब लेडीज़ के हैं और ये सब जेंट्स के हैं। चलें तो जनाब, चीज़ें ले आया हूँ वॉलमार्ट से जो लेनी थी एक दो चीज़ें, और उसके बाद अभी घर जाने लगा हूँ। स्नो स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे होंगे ऊपर बादल बहुत बने हुए हैं, भाई ये सारी स्नो है। और अभी ये स्नो बस पड़ने वाली है, स्नो स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, बस थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, चाय बन रही है,
चाय बन रही है और उसके बाद चाय बना के उसके बाद बेसमेंट में जाते हैं और जाके तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि जो मेरा आज का प्रोजेक्ट है जिसको मैंने आज ख़त्म करना है शाम तक। तो चाय जनाब रेडी है और एकदम रेडी हो गई है। बस इसमें टी बैग अभी सिर्फ ये अपना मिक्स करने हैं, थोड़े से टी बैग्स को डिप करना है अच्छे से जिससे चाय का कलर निकल आए। चाय का कलर निकल आया तो उसके बाद आपकी चाय रेडी है। चीज़ें जो मैं लेके आया हूँ वो पाइप को क्लोज करने के लिए, कनेक्शन को बंद करने के लिए, ये कैप है, दो कैप हैं क्योंकि दो पाइप लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसके बाद ये पेस्ट है सोल्डरिंग के लिए और ये शोल्डर वायर लेके आया हूँ वॉलमार्ट से। और एक ये हीट के लिए लेके आया हूँ। जो प्रोजेक्ट है वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये प्रोजेक्ट है, ये शावर रूम बना हुआ है तो इसको आज मैंने रिमूव करना है यहाँ से, बेसमेंट से। मैंने काफ़ी जगह कवर की हुई है और ये पाइप हैं जो मैंने कट करने हैं। काफ़ी कंजेस्टेड है जगह यहाँ पे, ये देखें। ओके सो व्यूवर्स देखें, मैंने एक ड्राई वॉल जो लगी हुई थी वो रिमूव कर दी है, इधर से यहाँ से रिमूव हो गई है एक ड्राई वॉल और स्क्रू जो हैं वो निकाल लिए हैं सारे। और इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू सारे लगे हुए थे वो भी सारे निकाल लिए हैं, फ्रेम्स में से सब स्क्रू निकाल लिए हैं, ऊपर से नीचे से ये दो लगे रह गए हैं, ये इनको मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद फिर इसको ओपन करना है और इसको ओपन करना है नाब को और फ्रेम बाहर आ जाएगा। सो गाइज आई एम कटिंग दिस पाइप फ्रॉम हियर, देख रहे होंगे ये देखिए। ओके सो गाइज आई कट द पाइप हियर एंड आई डू इट, आई जस्ट make it clean all the copper. Okay so guys I cut this pipe already and now these two lines are disconnected with this shower room and you can see this. So I put it light here and I already soldering this cap and is close the pipeline has been closed from here. Now I cut it this pipe and now I am cleaning with this wire socket, so like this. So look, so I clean this and now it's really clean and I'm gonna put a cap on and soldering and then I will show you. So here's the cap, put it on. So I make it clean like really nicely, so look at it, it's going smoothly on it. So ye dekhiye guys, pura soldering kar diya hai dono connection ko, aap nazar aa rahe honge aapko dono ko soldering kar diya hai. So guys I took out these two sides panels from this, look, it's looking like this now. Okay, so this one is only remaining because it's stuck with, when I'm taking out, it's stuck with the plies. So first I need to take it out these plies and then after that I'll take, this panel will come easily out. Okay guys, so ye maine pura उतार दिया है, सिर्फ एक ये स्टड रह गया है लास्ट वाला।
सो गाइस, ये है हमारी फाइनल लुक। ये देखें, एवरीथिंग इज क्लीन और इट्स रिमूव्ड आउट एवरीथिंग। सो गाइस, आफ्टर ओपन माय वाटर वॉल एंड आई चेक माय बोथ कनेक्शंस हियर एंड हियर, yeah, nothing is leaking, no leak, it's good, and our job is done. तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो आज का ये मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने पूरे पड़ चुके हैं और अभी मैंने बस फिनिश किया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।